हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं केपी संत आप सभी का न्यू वीडियो में स्वागत करता हूं दोस्तों। और मैं आज आप सभी को दिखाने वाला हूं दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे। बहुत सारा काम अभी हो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का, बहुत तेज़ी के साथ में कंस्ट्रक्शन वर्क किया जा रहा है। तस्वीरें आप लोग देख सकते हो, ये है पावी पुस्ता और पावी पुस्ते पर तस्वीरें आप लोग देखो दोस्तों, क्योंकि ये अर्थवर्क का काम किया जा रहा है दोस्तों। और साइड वॉल लगाए जा रहे हैं, तेज़ी के साथ में अभी कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। और आपको बता दूं दोस्तों कि ये 2024 में कंप्लीट कर लिया जाएगा और आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। 210 किलोमीटर का ये रूट है दोस्तों, और ये दिल्ली के अक्षरधाम से स्टार्ट होता है और ये उत्तराखंड के देहरादून जाकर इसका एंड हो जाएगा। तस्वीरें देख सकते हो, जीसीबी ये चल रही है जिसको मिट्टी को लेवल में किया जा रहा है दोस्तों। तो यही वर्क चल रहा है तेजी के साथ में, देख सकते हो ये साइड वॉल लगाते जा रहे हैं और ऊपर मिट्टी का अर्थ वर्क का काम करते चले जा रहे हैं, इसे मिट्टी को लेवल में लाते चले जा रहे हैं। और आगे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि टोल प्लाजा कितना काम हो चुका है। टोल प्लाजा का, टोल प्लाजा भी यहाँ बीच में ही बनाया जा रहा है पावी पुस्ते के बीच में। तो इसीलिए यहाँ पर एलिवेटेड पार्ट नहीं दिया गया है दोस्तों, यहाँ पर ये ग्राउंड लेवल पर रखा गया है। तस्वीरें देख सकते हो, ये मतलब एक्सप्रेस लेन होने वाली है, ये बीच का डिवाइडर ये तोड़ दिया जाएगा दोस्तों। और साइड में जो लोकल ट्रैफिक के लिए वो लेन है उधर दी जा रही है। और यहाँ पर आपको बता दूँ, ये सामने ये अंडरपास बनाया जा रहा है दोस्तों, तो उसमें से आधा तो बनके कंप्लीट हो गया है, आधा अभी बच गया। तो लेफ्ट हैंड का बन चुका है और राइट हैंड का अब बनाया जाएगा। तस्वीरें आप लोग देख सकते हो कि उस साइड का बन चुका है, एक साइड का तो बन गया दोस्तों। ये देख सकते हो, ये अंडरपास बनाया जा रहा है, ये देखो एक साइड का बन चुका है, दूसरी साइड का अब बनाया जाएगा। ये देख सकते हैं तस्वीरें आप सभी, इधर देखो मिट्टी आर्थवर्क का काम चल रहा है। ये बन जाने के बाद में अपने इसको निकाल दिया जाएगा। देखो किस तरीके से यहाँ पर काम चल रहा है भाई, ये देख सकते हो। ये दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे को बनाया जा रहा है दोस्तों तेज़ी के साथ में। एक साइड का रैंप बन गया है, दूसरी साइड का बनाया जाएगा। और चलते हैं आगे, दिखाते हैं चल के आप सभी को। तो यहाँ से चलते हुए देख सकते हो, ये सारे में ही अभी ये ही मिट्टी मतलब कि अर्थवर्क का काम किया जा रहा है दोस्तों। तस्वीरें देख सकते हो, मतलब कि दोनों साइड के ही तोड़ फोड़ सब कर दी जा चुकी है और अर्थवर्क का काम तेज़ी के साथ में चल रहा है अभी इस टाइम पे। और आपको दिखाते हैं किस तरीके से यहाँ के मिट्टी उठाई जा रही है, किस तरीके से मिट्टी उठाने का काम चल रहा है, दूसरी जगह डाली जा रही है। देख सकते हो ये यहाँ से मिट्टी उठा रहे हैं, ये साइड में से, ये जो अंडरपास बनाया है इसके साइड में से मिट्टी हटा के फिर दोबारा से इस पर मिट्टी डाली जाएगी दोस्तों, फिर इस पर लेबल किया जाएगा। तो देख सकते हो ये साइड वॉल लगा दिए जा चुके हैं और आगे आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा वो टोल प्लाजा की जो बिल्डिंग है वो बनाई जा रही है दोस्तों। आगे आगे देखो, वो सामने ही बिल्कुल टक्कर पर। तो यहाँ पर यही वर्क चल रहा है, देख सकते हो पावी पुस्ता बहुत तेज़ी के साथ में यहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्क किया जा रहा है दोस्तों। मिट्टी उठाने का काम, मिट्टी मतलब कि जो ब्लैक टॉप था वो भी तोड़ा जा रहा है और नए सिरे से इसको बनाया जा रहा है दोस्तों। जो लोकल ट्रैफिक के लिए है वो नीचे रहेगी और जो मेन एक्सप्रेस वे की लाइन है दोस्तों वो थोड़ा सा ऊँचाई पर रहेगा। तो आगे चलते हैं और आगे आप लोगों को दिखाते चल के कि टोल प्लाजा पर अभी क्या क्या वर्क चल रहा है इस टाइम पर। तस्वीरें देख सकते हो कि किस तरीके से ये बना रहे हैं, ये साइड बॉल लगाते चले जा रहे हैं और फिर ऐसे जैसे जैसे साइड बॉल लगा रहे हैं वैसे वैसे मिट्टी को ऊपर डालते जा रहे हैं और उठाते जा रहे हैं दोस्तों। तस्वीरें देख सकते हैं, यहाँ पर ये इन्होंने ब्लॉक कर रखा है और जो कंपनी यहाँ पर वर्क कर रही है वो है सीगल इंडिया लिमिटेड दोस्तों। तो देख सकते हो यहाँ पर ये टोल प्लाजा बनाया जाएगा ताकि दिल्ली के भी और यूपी के भी मतलब चाहकर भी इधर उधर नहीं जा सकते हैं दोस्तों, टोल प्लाजा तो देना ही पड़ेगा। देखो ये बिल्डिंग बनाई जा रही है और यहाँ पर ये कंक्रीट की लेयर बिछाई जा रही है दोस्तों। तो एक साइड तो बिछा दी जा चुकी है, अब दूसरी साइड में जिस पर हम चल रहे हैं अभी वो अभी बाकी रह गया है दोस्तों। देख सकते हो आप लोग तस्वीरें, और ऐसे ही वीडियोज़ देखते रहो के पी संत के चैनल पर। और के पी संत लाता रहता, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता दोस्तों। तो आप लोग बताना आप सभी को वीडियो कैसा लगा, वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और ऐसे ही वीडियोज़ देखते रहो के पी संत के चैनल पर दोस्तों। तस्वीर आप लोग देख सकते हो दोनों साइडों में, देखो इधर ये साइड बॉल लगाते जा रहे हैं और मिट्टी को डालते चले जा रहे हैं। तो एक साइड का बनके कंप्लीट हो गया,
अब दूसरी साइड का बनाया जा रहा है तो उधर भी कंक्रीट किया जाएगा, पहले इधर कंक्रीट कर दिया जाएगा। तो डीबीएम की लेयर इसमें पहली बिछा दी थी, अब इसमें कंक्रीट की लेयर बिछाई जा रही है। दोस्तों देख सकते हो ये मशीन लगी हुई है, इसी से लेवल में लाया जाता है, जो कंक्रीट की लेयर बिछाई जाती है तब ये मशीन है इसको लेवल में बिल्कुल लाती है, ना ऊँचा ना नीचा। तो इसी वजह से यहाँ पर ये टोल प्लाजा दिया गया दोस्तों। और आप मुझे कमेंट करके बताओ कि ये जगह कौन सी है, और फिर आप लोगों को अगली वीडियो में बताऊंगा कि किस जगह पर ये टोल प्लाजा बनाया जा रहा है, पाबी पुश्ते पे। तस्वीर आप लोग देख सकते हो, तो आप लोग बताना कि आप सभी को वीडियो कैसा लग रहा है और जगह कौन सी है यहाँ पर जहाँ टोल प्लाजा बनाया जा रहा है। मैं आप सभी को अगली वीडियो में बता दूंगा। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो, वीडियो को लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करो दोस्तों, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लो चैनल को दोस्तों। बस देख सकते हो आप लोग, ये कंक्रीट की लेयर बिछा दी एक साइड में लेफ्ट हैंड पे, अब राइट हैंड की बची हुई है क्योंकि ये अभी ट्रैफिक निकाल रहे हैं, तो इस वजह से यहाँ पर यह लेन बची हुई है। तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आपको लगेगा कि 12 लेन है, इसमें आप लोगों को लगेगा 12 लेन है, क्योंकि उधर तो आप लोग बता दो कि जो लोकल ट्रैफिक के लिए वो नीचे हैं, और एक्सप्रेस के लिए एक्सप्रेस लाइन की जो लेन है वो थोड़ा सा ऊंचाई पर है दोस्तों, तो इसी वजह से वहाँ पर ज़्यादा नहीं चमक रहा था, लेकिन जो मेन एरिया वो यहाँ चमक रहा है दोस्तों, जहाँ टोल प्लाजा बनाया जा रहा है। तस्वीरें देख सकते हो, अभी हम बीच वाली लेन में आ चुके हैं दोस्तों, यानी कि लेफ्ट हैंड पर। तो तस्वीरें इधर भी देख सकते हो, इधर भी काम चल रहा है, क्योंकि वो देख सकते हो साइड वॉल लगा रहे हैं, और साइड वॉल लगा के इस पर अर्थवर्क का काम किया जा रहा है दोस्तों। और अर्थवर्क का काम कर जाने के बाद में फिर इस पर डीबीएम की लेयर चढ़ाई जाएगी, फिर उसके बाद में लास्ट ऑप्शन आ जाता है, इसके ब्लैक टॉप कर दिया जाएगा दोस्तों। चलते हैं आगे, दिखाते हैं चल के। तो अभी यही वर्क चल रहा है दोस्तों, और बीच वाली लाइन पर देखो, यहाँ पर ये डाइवर्जन दे रखा है, यहाँ पर देखो ये एक्सप्रेस लाइन बनाई जा रही है, देख सकते हो यहाँ पर ये साइड वॉल भी लगा दिए हैं, और उन पर पैराफिट वॉल भी लगा दिए जा चुके हैं दोस्तों, देख सकते हो। और ये लोकल ट्रैफिक के लिए भी ये लाइन बना दी जा चुकी है दोस्तों, आप लोग देख सकते हो तस्वीरें। तो चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं आगे चल के, तो आप लोग इन्जॉय करो ज़्यादा से ज़्यादा।
तो दोस्तों देखा आप सभी ने कि ये देखो ड्रेनेज सिस्टम बनाया जा रहा है, और ड्रेनेज सिस्टम बना के फिर इसको रोड को चौड़ा भी कर दिया जाएगा। ये मतलब कि जो नीचे ट्रैफिक के लिए रहेंगी लाइन ये है, और ये एक्सप्रेस लाइन यहाँ से ये एलिवेटेड हो जाता है दोस्तों, और ये एलिवेटेड रहेगा पता कहाँ तक, ये जो आपको मंडोला विहार परियोजना है वहाँ तक ये एलिवेटेड रहने वाला है, फिर उसके बाद में फिर नीचे उतर जाएगा, फिर उसके बाद में आगे के लिए फिर ये एलिवेटेड हो जाएगा दोस्तों। तस्वीरें देख सकते हो, सारे पिलर बन के कम्प्लीट हो चुके हैं। आप बस इस पर क्या करना है, बस इन पर अब पियर कैप का काम किया जाना, पियर कैप बन जाने के बाद में एक पिलर से दूसरे पिलर को जोड़ने का काम किया जाएगा गर्डर लॉन्चिंग की द्वारा। दोस्तों देख सकते हो आप लोग तस्वीरें कि अभी यहाँ पर भी ये नीचे के भी अभी लाइन बनानी है, ये देख सकते हो ये कंक्रीट की लेयर बिछा दी जा चुकी है, और यहाँ से ये कर्व ले लेगा यानी कि लेफ्ट में, और ये जाएगा दोस्तों बागपत बॉर्डर के लिए दोस्तों, जहाँ पर ये ईस्टर्न पेरिफेरल है वहाँ पर जाकर ये एलिवेटेड सेक्शन ख़त्म हो जाएगा दोस्तों। तस्वीरें देख सकते हो, आप लोग बताना कि आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा, और ऐसे ही वीडियोस देखो केपी संत के चैनल पर दोस्तों। केपी संत लाता रहता है, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता है दोस्तों, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद में आप लोगों को अपडेट देखने के लिए मिल रही है। और यहाँ पर जो जगह है दोस्तों ये है पाबी पुस्ता यानी कि पूजा कॉलोनी की जगह है, और यहाँ से देख सकते हो अब ये आ चुका है आगे, और वहाँ पर देख सकते हो ये पियर कैप का काम किया जा रहा है दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत गाइस, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ में।